उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने के लिए निर्वाचन नियमों के अनुसार पुलिस फोर्स की ड्यूटी लगाई जा रही है। पुलिस फोर्स की तैनाती के साथ विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो चुका है। वहीं विधानसभा चुनाव के पांचवें चरण का मतदान अभी बकाया है। चुनाव के तीसरे चरण में 20 फरवरी को सूबे के कई हिस्सों की 59 सीटों पर होने वाले मतदान को लेकर शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने नारियल फोड़कर 21 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चुनाव ड्यूटी पर रवानगी से पहले पुलिस लाइन में एसपी शाहजहांपुर ने पुलिस फोर्स की ब्रीफ किया। इस दौरान चुनाव में ड्यूटी के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। फिर पुलिस फोर्स को पार्टीवार 21 बसों में पार्टी प्रभारियों के साथ बैठाया गया, जिसके बाद एसपी एस आनंद ने नारियल फोड़ने के साथ ही हरी झंडी दिखाकर चुनाव सकुशल संपन्न कराने की शुभकामनाएं देकर बसों को रवाना किया। आपको बता दें कि तीसरे चरण में होने वाले चुनाव को लेकर झांसी, फतेहपुर, प्रयागराज और देवरिया समेत वाराणसी के लिए इस पुलिस फोर्स को रवाना किया गया है। व्यवस्था की गई है, वहीं जाएंगे और वहां से ड्यूटी कार्ड लेने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की आमद अलग अलग होगी, ये ध्यान रखिए। वहां एक साथ आमद नहीं करेंगे लोग, इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाए। अपना मोरल अच्छा रखिए, खूब अच्छे से ड्यूटी दीजिए और मेरा पूरा भरोसा है कि आपने जो बेंचमार्क यहाँ बनाया उसको और आप रेज करेंगे वहाँ और बेटर परफॉर्म करेंगे। और ये फीडबैक अवश्य आना चाहिए कि सबसे अच्छी ड्यूटी हमारे जनता शाहजहांपुर की जो फोर्स थी उसने निभाई, उसने की।